हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिगफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी का सेगमेंट है सिंघार विद रिजा, और बिल्कुल परेशान ना हो रिजा, बिल्कुल आपको नजर आएंगी। आज मैं रिजा के पास नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपको रिजा के पास लेके जाऊंगी। जी हाँ, रिजा ने आपको लास्ट शो में बताया था कि किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, और जो कहते हैं ना कि आपके अनटाइडी हेयर्स होते हैं या रफ़ हेयर्स होते हैं, उनको आप किस तरह से कट करके निकाल सकते हैं। और साथ साथ उस कटिंग के ये भी बताया गया था आपको कि आप उसकी स्ट्रेट करके किस तरह से लुक दे सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट जब बाल हुए हुए होते हैं तब भी बड़ी अच्छी लुक आती है। आज थोड़ा सा चेंज है, आज उसी कट में जो है आउटवर्ड टर्निंग करके रजा आपको बताएंगी कि सेम मॉडल का लुक क्या आता है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और चलते हैं रजा की तरफ। आप सब कैसे हैं? और आज फिर मैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम के साथ, इस प्रोग्राम जो है वो लास्ट टाइम जो प्रोग्राम आपने देखा था उसमें मैंने मक्के की कटिंग दिखाई थी, आयरन करके थोड़ा सा मेरे लुक दिखाया था। मैंने ये सोचा कि नए प्रोग्राम को मैं बनाती ज़रूर हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा इरादा भी यही था कि अगर नया प्रोग्राम किया जाए तो वो किस हवाले से किया जाए। जो क्लाइंट मैंने पिछली दफ़ा कटिंग के साथ मॉडल दिखाई थी उसको हम थोड़ा सा चेंज करके दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि जब आयरन की थी तो वो स्ट्रेट हो गया था और बहुत अच्छा लुक आ रहा था और यू शेप प्रोमिनेंट हो रहा था, लेकिन इस बार अगर हम चाहें तो इस कटिंग को और किस तरह सेटिंग की जा सकती है। तो बहुत सारे लोग जब कटिंग करवाते हैं तो उनका मसला ये होता है कि उनकी समझ में नहीं आता, और सीधा सीधा कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है और समझ नहीं आता कि इस बार क्या किया जाए, ब्लो ड्राइंग की जाए, आयरन की जाए, क्या किया जाए। अपने यकसानियत वाले एक लुक से भी लोग तंग आ जाते हैं, तो मैं आज थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। मॉडल मक्खिया है और इस बार इनका जो लुक जो था आपको दिखा दूँ, जो लास्ट टाइम हमने कट के दिखाया था वो थोड़ा सा हमने कट इन्वर्ट किया था, और इन्वर्ट इस तरह किया था ताकि आपको एक लुक आ जाए इनका। ये देखिए किस तरह का लुक था। और अब हम जो चेंज करेंगे, हम थोड़ा आउटर सेटिंग करेंगे, देखते हैं कि आपको कैसे लगता है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, आप भी ज़रा वॉच करें, सीखें कि कहाँ आपको कोई दुश्वारी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये एक राउंड आयरन है और बहुत सिंपल सी है, इसको कुछ करना नहीं है। आपने इसको आयरन लिया, इस तरह कस डाल दिया, बिल्कुल मैं थोड़े थोड़े चंक्स लेके डालूंगी और फिर उसके बाद हम इसको मर्ज कर देंगे। देखिए, मैंने पूरा आयरन किया, आयरन बिल्कुल एंड्स पे आके आपने थोड़ा सा इसे टर्न करना शुरू कर दें ताकि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज आ जाए। हल्का सा कल आपको आएगा उसको हमने इसी में मिक्स कर देना है। कटिंग तो करवा लेते हैं लोग, लेकिन कटिंग का जो मसला है ना वो ये है कि कटिंग के बाद सेटिंग नहीं समझ आती कि बालों की सेटिंग कैसे करनी चाहिए। आपके मैंने आयरन थोड़ी सी राउंड है इसलिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट करके पहले, फिर उसके बाद यहाँ से मुझे कर्ल्स बनाना है, और कर्ल भी बहुत लूज में। अब थोड़ा सा स्ट्रेट करें,
अच्छा ये टॉपिक क्योंकि आगे से फ्रंट जो है अच्छा खासा लेयर में इनका जो है कटिंग हुई हुई है, इसलिए थोड़ा टॉप छोटा होता जाएगा और इसीलिए इसकी खूबसूरती जो है बढ़ती जाएगी। ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी हैं के बाद सब कलर्स में आ गए। थोड़ा सा उठा के बनाऊंगी। और जी ये है हमारी मक्किया मॉडल, आपने जो लास्ट टाइम देखा था बिल्कुल स्ट्रेट मैंने आपको आयरन करके दिखाया था। हमने हल्की फुल्की आयरन की थी और ब्लो ड्राई किया था, लेकिन इस वक्त मैंने ऑफ कट जो है कल्स दिए हैं। और क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको ये मालूम होना चाहिए अगर आप सिंपल डीप यू शेप लेते हैं और आगे से लेयर कट लेते हैं तो उसकी सेटिंग भी डिफरेंट हो सकती है। तो आज क्योंकि इन्हें कहीं जाना था और मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और फौरन ही मैंने आपका ये शूट भी तैयार कर लिया। और ये शूट के मज़ा इस बात का है कि आपको जो है प्रॉपर ये जो है कल्स मज़ीद नज़र आ रहे होंगे कि इनकी पूरा जो है साइड जो है वो ऑलमोस्ट कल्स के साथ है, ठीक है। और फ्रंट का भी लुक चेंज हो गया उस दिन का और आज का। कोशिश करेंगे कि उन्हें की एक तस्वीर इसके साथ भी हम लोग लगा दें ताकि आप लोग देख सकें। और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम जब सीखते हैं तो उसका अमल जो होता है वो अगर हम कहीं भी कुछ चीज़ देखते हैं करते हुए तो वो अमल हमारे सामने आ जाता है। और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रही हूँ या बता रही हूँ या मैं करके दिखा रही हूँ तो आपको कहीं तो थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो इसी के साथ ही अपनी प्यारी मॉडल के साथ मक्किया के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी और आप इनका शो देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।